हेलो फ्रेंड्स, मेरा रवि कांत है और कॉम्पिटेटिव अर्न नॉलेज में आपका स्वागत है। सो, आज हम करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का हमारा सेकंड चैप्टर, सो किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। सो यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे इसके एमसीक्यूज करेंगे। सो चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, सो इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। सो आप जाकर यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं ज्योग्राफी की भी और एज वेल एज जो पॉलिटिक्स की वीडियोज हैं। सो इस चैनल के ऊपर आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साइंस 7 से लेकर 10 तक की होगी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यहाँ पे ये सभी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। इनकी जो प्लेलिस्ट है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि पंचतंत्र अ फेमस बुक रिटन ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। सो यहाँ पे जो पंचतंत्र बुक थी वो किस पीरियड के दौरान लिखी गई थी। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वैदिक पीरियड, सेकंड प्री गुप्ता पीरियड, ठीक है, गुप्ता पीरियड से पहले की बात चल रही है यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे गुप्ता पीरियड के दौरान या मौर्य पीरियड के दौरान। सो यहाँ पे जो पंचतंत्र है ये लिखी गई थी गुप्ता पीरियड के दौरान। सो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी इज द राइट आंसर। सो सेकंड क्वेश्चन है विच बुक प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशंस ऑफ गुप्ता पीरियड। सो गुप्ता पीरियड की जो यहाँ पे जो भी इकोनॉमिकल कंडीशंस थी उसकी जो जानकारी है वो किस बुक में यहाँ पे दी गई है। सो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे अर्थशास्त्र, सेकंड है रामायण, इंडिका और मुद्रा राक्षसा। सो यहाँ पे जो इकोनॉमिकल कंडीशन है गुप्ता पीरियड की वो किस बुक में यहाँ पे दी गई है, वो अर्थशास्त्र में दी गई है, ठीक है। सो अर्थशास्त्र यहाँ पे चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी, उसने यहाँ पे जो अर्थशास्त्र थी, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेकंड चैप्टर में डिटेल में बताया था। सो अर्थशास्त्र का मतलब कि यहाँ पे वो वाली कंडीशन ही है जो आप क्लासेस में पढ़ते हो अर्थशास्त्र, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो गुप्ता साम्राज्य था उसके बारे में यहाँ पे जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन थी या जो भी राज्य वहां पे जो उसके द्वारा कैसे राज्य किया जाता था, सेना के बारे में, ये सभी कंडीशन थी वो उसने यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई थी। मतलब कि ये सभी राजनीति के बेसिस के ऊपर थी, ठीक है, जो ये बुक थी। सो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे हु रोट अर्थशास्त्र। सो अर्थशास्त्र यहाँ पे किसके द्वारा लिखा गया था, ऑब्वियस यहाँ पे कौटिल्या, चाणक्य, ठीक है, दोनों इन्हीं के नाम है। सो इनके द्वारा यहाँ पे लिखी गई थी। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। सो फोर्थ क्वेश्चन है हु रोट इंडिका। जो इंडिका पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज, या फिर सी ऑप्शन नंबर डायमोस्टस या सेलुकस। सो किसके द्वारा लिखी गई थी जो इंडिका पुस्तक थी, ये लिखी गई थी मेगास्थनीज के द्वारा। सो नेक्स्ट है यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन मुद्रा राक्षसा, ये किसके द्वारा यहाँ पे लिखी गई थी। सो फर्स्ट है यहाँ पे सुद्राका, विशाखादत्ता, कौटिल्या या वासुबंधु। सो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सो ये लिखी गई थी विशाखादत्ता के द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक। सो नेक्स्ट है यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड नंदास विद द हेल्प ऑफ। सो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदास को यहाँ पे हराया था, दनानंद को, ठीक है, किसकी मदद के साथ उन्होंने हराया था, उन्होंने हराया था यहाँ पे चाणक्य की मदद के साथ। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट है हु डिफीटेड सेलुकस निकेटर इन 305 ऑन द बैंक्स ऑफ द सिंधु। सिंधु नदी के किनारे 305 बीसी में किसने सेलुकस निकेतर को हराया था। यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने सेलुकस निकेतर को हराया था। इनके इसके बाद हराने के बाद यहाँ पे जो सेलुकस निकेतर की डॉटर थी हेलिना, उसका जो विवाह था वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया गया था। और यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, फिर इनको भेंट स्वरूप यहाँ पे 500 एलिफेंट्स दिए थे, क्लियर है। सो 500 एलिफेंट दिए थे, ठीक है, ये सभी बातें मैंने डिटेल में बताई थी वहां पे। उसके बाद जो सेलुकस निकेतर ने अपना एक यहाँ पे इन्होंने अपना एक राजदूत भेजा था, ठीक है, जिसका नाम था मेगास्थनीज। उसने यहाँ पे आकर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, ठीक है, ये हमने पहले यहाँ पे पढ़ा था। इंडिका इनके द्वारा यहाँ पे मेगास्थनीज के द्वारा बुक लिखी गई थी। ये राजदूत यहाँ पे सेलुकस निकेतर के द्वारा भेजे गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे, बहुत सारा रहा इन्होंने यहाँ पे देखा कि कैसे यहाँ पे ये रहते हैं, कैसे इनकी सेना की व्यवस्था की जाती है, ये सभी यहाँ पे इन्होंने इंडिका पुस्तक में लिखा था डिटेल में। सो नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं इन विच अमंग द फॉलोइंग मैटर्स
लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्वाइंस वर इश्यूड इन गुप्ता एरा। सो गुप्ता का जो युग था, सो उस दौरान यहाँ पे सबसे ज्यादा जो क्वाइंस थे, ठीक है, वो कौन से थे जो इनके द्वारा इश्यू किए गए थे। सो इनके द्वारा, सो ऑप्शन नंबर ए गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ब्रास। सो इनके द्वारा जो सबसे ज्यादा क्वाइन इशू किए गए थे वो कौन से थे, यहाँ पे गोल्ड, गोल्ड क्वाइन सबसे ज्यादा इनके द्वारा इशू किए गए थे गुप्ता पीरियड के दौरान। सो नेक्स्ट है यहाँ पे, विच रूलर इशूड द गोल्ड क्वाइंस फर्स्ट टाइम, पहली टाइम जो गोल्ड क्वाइंस थे वो किसके द्वारा यहाँ पे इशू किए गए थे। सो फॉर ऑप्शन नंबर ए गुप्ता, मौर्य, कुशंस या शक्स। तो यहाँ पे जो गोल्ड कॉइन्स हैं सबसे पहले कुशंस के द्वारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे फर्स्ट टाइम। और यहाँ पे जो कुशंस का जो राजा था वो कौन सा था, यहाँ पे वीमा कडाफिसिस, ठीक है। सो हो सके नाम याद रख लेना, अदरवाइज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी क्लास में। सो जस्ट आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो गोल्ड कॉइन्स है सबसे पहले यहां पे क्वेश्चंस के द्वारा यहां पे इंट्रोड्यूस किए गए थे। सो नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सिल्वर कॉइन्स इशूड बाय गुप्ता। सो गुप्ता के द्वारा जो सिल्वर कॉइन्स इशू किए गए थे उसका नाम क्या था। सो उसका नाम था यहां पे रूपाका, जो इनके द्वारा गोल्ड को सॉरी सिल्वर कॉइन्स इशू किए गए थे। सो नेक्स्ट है, कॉइन्स मेड ऑफ मेटल्स फर्स्ट अपियर्ड इन, सो जो मेटल के कॉइन्स बनाए गए थे सबसे पहले वो कब अपियर किए गए थे। सो फर्स्ट है यहाँ पे हरप्पन सिविलाइजेशन, सेकंड है लेटर वैदिक एज में या एज ऑफ द बुद्धा, जब ठीक है बुद्धिज्म यहाँ पे आया था उस समय किए गए थे, या जब मौर्याज आए उस समय किए गए थे। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आएगा सी, एज ऑफ द बुद्धा। सो जब महात्मा बुद्ध का समय चल रहा था उस समय यहाँ पे जो मेटल के कॉइन्स थे उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। सो नेक्स्ट है, व्हेन डिड अशोका इन्वेड कलिंगा। सो कलिंगा के ऊपर जो हमला किया गया था अशोका के द्वारा वो कब किया गया था। सो वो किया गया था 261 बीसी में, ठीक है। सो प्रेजेंट में यहाँ पे जो कलिंगा है वो कहाँ पे है, वो ओडिशा में है, ठीक है, ये याद रखना कहाँ पे, ये ओडिशा में है एट प्रेजेंट कलिंगा। सो 261 में इनके द्वारा यहाँ पे हमला किया गया था। सो नेक्स्ट है, व्हेन डिड अशोका डाई। सो अशोका की मृत्यु कब हुई थी। सो अशोका की मृत्यु हुई थी 232 बीसी में। सो नेक्स्ट है, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशियंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड। सो जो पहले का टाउन था तक्षशिला, ठीक है, ये कहां पे स्थित है, किन दो रिवर्स के बीच में। सो फर्स्ट है यहां पे गंगा एंड यमुना, सेकेंड है महानदी एंड गोदावरी, थर्ड है इंडस और झेलम, डी ऑप्शन है कृष्णा एंड कावेरी। सो यहाँ पे जो तक्षशिला है ये इंडस और झेलम नदी के बीच में स्थित था। सो नेक्स्ट है, व्हेन डिड मौर्य एम्पायर बिगिन। सो मौर्य साम्राज्य था इसकी शुरुआत कब हुई थी। सो इसकी शुरुआत हुई थी, सो ऑप्शन नंबर वन है 326 बीसी, 323, 322 बीसी, 298 बीसी। सो 322 बीसी में इसकी स्टार्ट हुई थी। सो ऑप्शन नंबर सी ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। हु अर्न द टाइटल ऑफ लिबरेटर, यानी कि मुक्तिदाता का जो खिताब था वो किसे दिया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए अशोका, बिंदुसारा, चाणक्य या चंद्रगुप्त मौर्य। सो यहाँ पे जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना थी वो किसके द्वारा रखी गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा विद द हेल्प ऑफ चाणक्य द्वारा, ठीक है, चाणक्य की मदद से रखी गई थी। सो इसलिए यहाँ पे जो मुक्ति दिलाई गई थी वो किसके द्वारा दिलाई गई थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दिलाई गई थी, ठीक है, नंद जो डायनेस्टी थी उनसे। सो इसलिए यहाँ पे जो लिबरेटर का खिताब था वो किसके नाम है, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सो द मोस्ट पावरफुल सिटी अमंग ऑल महाजनपद, टोटल कितने महाजनपद थे, ठीक है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने चैप्टर को डिटेल में सुना होगा। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल जो सिटी थी इनमें से वो थी मगध, ठीक है। इसके भी जो फीचर्स थे वो हमने डिटेल में देखे थे, ठीक है, क्या थे इसके अराउंड, यहाँ पे पहाड़ थे, माउंटेन्स थे, ठीक है, उसके बीच में लाई करती थी, साथ में जंगल थे जिनकी वजह से यहाँ पे युद्ध के लिए इनको हाथी मिल जाते थे, और यहाँ पे साथ में रिवर फ्लो करती थी जिसकी वजह से यहाँ पे जो आसपास की जमीन थी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। सो सिंचाई व्यवस्था इनकी बहुत ज्यादा आसान हो जाती थी, ठीक है, सड़कों का निर्माण भी था जिसकी वजह से ये
जो भी यहाँ पे ग्रो करते थे ठीक है उनको मार्केट में जाकर बेच आते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता था। सो इन्हीं सभी यहाँ पे फीचर्स के कारण जो मक्त था ये सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल सिटी थी। सो नेक्स्ट है विच महाजनपद वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना। सो कौन सा यहाँ पे महाजनपद था इनमें से जो यमुना नदी के किनारे स्थित था। सो यहाँ पे जो वत्सा ठीक है ये जो महाजनपद था ये यमुना नदी के किनारे स्थित था। सो ये आप लोगों ने याद रखना है। सो नेक्स्ट है विच किंग इज टाइटल्ड एज द सेकंड परशुराम। सो कौन सा यहाँ पे राजा था जिसको यहाँ पे खिताब दिया गया था सेकंड परशुराम का। सो यहाँ पे आएगा महापद्म नंदा ठीक है इनको यहाँ पे खिताब दिया गया था सेकंड परशुराम का। द फाउंडर ऑफ द नंद डायनेस्टी। सो जो नंद डायनेस्टी की स्थापना थी वो किसके द्वारा रखी गई थी। सो यहाँ पे जो स्थापना थी नंद डायनेस्टी की वो किसके द्वारा रखी गई थी महापद्म नंदा के द्वारा रखी गई थी। और यहाँ पे जो लास्ट रूलर थे ठीक है वो कौन थे दनानंद थे ठीक है। ऑब्वियस यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको हरा कर यहाँ पे वो राजा बने थे। किसकी मदद से हराया था वो चाणक्य की मदद से इन्होंने हराया था। सो नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट मोनार्क ऑफ मगध इन 6th सेंचुरी BC। सो 6th सेंचुरी BC में जो मगध का पहला राजा था इनमें से वो कौन था। सो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसारा, शिशुनाग या देवदत्ता। सो जो फर्स्ट राजा था मगध का 6th सेंचुरी में वो कौन था बिंबिसारा। विच वॉज द अर्लिएस्ट कैपिटल ऑफ मगध। सबसे पहले जो मगध की कैपिटल थी ठीक है सबसे पहले वो कौन सी थी इनमें से। सो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे वैशाली, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे बेनारस, थर्ड ऑप्शन है राजगीर, डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र। सो इनमें से जो मगध की सबसे पहले राजधानी थी वो थी राजगीर ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो आप लोगों को पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो शहर है इसकी स्थापना किसके द्वारा रखी गई थी। सो इसकी जो स्थापना थी पाटलिपुत्र की वो रखी गई थी अजत शत्रु के द्वारा यहाँ पे रखी गई थी। अजत शत्रु कौन थे यहाँ पे ये सन थे किसके बिंबिसारा के ठीक है। सो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का फिर आगे सन था बिंबिसारा, बिंबिसारा का ठीक है आगे सन था। सो यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके जो सन का नाम था यहाँ पे बिंदुसारा, और जो बिंदुसारा का सन था उनका नाम था यहाँ पे अशोका। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो बिंबिसारा था, जो बिंबिसारा का पुत्र था उसका नाम था यहाँ पे अजत शत्रु ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो अजत शत्रु था उसके पुत्र का नाम था यहाँ पे उदयनी ठीक है। सो ऐसे यहाँ पे सीरीज चलेगी ठीक है। हिस्ट्री में जब इनकी जो क्लासेस होंगी यूपीएससी के लिए करेंगे तब हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे इनके बारे में। सो नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं द टर्म निष्का विच मीन ऑर्नामेंट। सो निष्का का मतलब होता है ऑर्नामेंट, जो गहने होते हैं ठीक है वैदिक पीरियड में। लेकिन जो इसका नाम था ठीक है किस चीज को यहाँ पे डिनोट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है निष्का का। सो इसका यहाँ पे डिनोट करने के लिए कॉइन, कॉइन को यहाँ पे डिनोट करने के लिए निष्का का इस्तेमाल किया गया है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर फर्स्ट डेसिफर्ड बाय। सो जो अशोका की इंस्क्रिप्शन थी उसको यहाँ पे जो डिकोड किया था वो किसके द्वारा डिकोड किया गया था, वो जेम्स प्रिंसप के द्वारा डिकोड किया गया था। सो नेक्स्ट है नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर टू इन हिज इंस्क्रिप्शंस। सो यहाँ पे जो नेम है अशोका का जो जनरली रेफर किया जाता है उसकी इंस्क्रिप्शंस में ठीक है। जब यहाँ पे डिकोड किया गया था जेम्स प्रिंसप के द्वारा तो उन्होंने देखा यहाँ पे जो उनकी इंस्क्रिप्शन है सो मेनली नाम वहां पे क्या पाया जाता था प्रियदर्शी। सो यहाँ पे ये नाम पाया जाता था ज्यादातर। सो नेक्स्ट है यहाँ पे जेम्स प्रिंसप इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट यूरोपियन स्कॉलर टू डेसिफर द अशोकन एडिक्ट्स ऑफ एंशियंट टाइम ठीक है। सो यहाँ पे हमें तीन क्वेश्चन गिवन है, सो तीनों में से बताना है हमने कि इनमें से सही कौन सा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो फर्स्ट यूरोपियन स्कॉलर थे जेम्स प्रिंसप इन्होंने डेसिफर किया था अशोकन की जो एडिक्ट्स थे ठीक है प्राचीन समय में। हाँ सो फर्स्ट यहाँ पे क्या है सही है। सो इनके द्वारा ही सब ज्यादातर जो इनकी एडिक्ट थे उनको डिकोड किया गया था जेम्स प्रिंसप के द्वारा। सो यहाँ पे फर्स्ट क्या है सही है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे जेम्स प्रिंसप डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड
क्रोशदी लैंग्वेज, ठीक है। सो उन्होंने यहाँ पे ज्यादा फाउंड किया कि यहाँ पे जो राजा को मेंशन किया गया था एज अ पियादशी के साथ। हाँ, सो ये भी क्या है, सेकंड यहाँ पे सही है। थर्ड क्या है कि जेम्स स्पेंसर वाज अपॉइंटेड एज एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया था। सो ये भी क्या है, यहाँ पे सही है। सो यहाँ पे ऑल आर करेक्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर राइट। क्लियर है। सो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे क्लास 12th में, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन जब आप यूपीएससी की अगर तैयारी करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। सो तब जाकर हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे इन क्वेश्चन के बारे में। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम आप अपने फ्रेंड्स के साथ कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने आसपास सफाई रखें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाएं, ग्रीन इंडिया की तरफ मूव करना, यही हमारा लक्ष्य है। सो जय हिंद, हैव अ फैंटास्टिक डे।